सामने कल फजर समझकर मेरी तरफ कदम बढ़ाया। फजर मुझे कहती रही कि विसाम उसे तंग करता, कि मैंने सोचा कि बच्चे हैं, खेल खेल में तंग करता होगा। फजर भी तो बच्ची है ना, उसको पता ही नहीं था कि इस तंग करने को कैसे बताते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फजर ने मुझे बताया कि विसाम उसके साथ नाज़ेबा हरकत करता है। मैंने तब भी यकीन नहीं किया। जिन घरों में सिर्फ मर्दों को बोलने की इजाजत हो ना, उन घरों की माएं अपनी बेटियों को चुप करा देती हैं, चुप रहो। आपको पता है, हमारी फजर को कोई जहनी बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है वो, बल्कि उसके पीछे जहनी बीमार था। मेरी बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही और मैंने उसकी बात ही नहीं मानी। हालांकि दिल करता था, लेकिन इस दिल में आपका और आपके घर वालों का इतना खौफ था कि मैं कभी कुछ बोल ही नहीं सकी। काश कभी आपने अपने सीने सर रखने की इजाजत दी होती तो मैं रो रो के अपने दिल की बात कहती आपसे, लेकिन आपने कभी करीब भी नहीं आने दी। तो दिल की बातें दिल से बाहर ही नहीं आई। अगर आप ठीक होते ना तो आज किसी कोने में पड़ी रो रही होती। मुझे पता है आप मुझ पर यकीन करते, लेकिन सामने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की? इसमें भी आप कोई ना कोई मेरी गलती निकालते। अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी के चमड़ी तो देनी थी ना आपने, है ना? Oh.